देख रहे हैं यहाँ पर, देखो कितना अंधेला है, मतलब मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा सबको, लेकिन यहाँ पर जितनी रोशनी की जरूरत थी। और ये भारतीय किसान यूनियन का कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, तो अगर किसान भाई को कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, अपनी जो भी कंप्लेन है यहाँ पर आप दे सकते हो, बता सकते हो, दर्ज करा सकते हो कंप्लेन। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर हर एक खाना, आपको हर एक वैरायटी का यहाँ पर खाना खाने को मिल जाएगा। अरे भैया ये देखो भैया, ये सामने जो आपको लाइट 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 दिख रही है ना, ये भविष्य बताती है सबका। अगर इन भविष्य बताती होती सही साइड, तो ये क्यों बैठे होते हैं यहाँ पर बताओ ज़रा। तो मैं अब वहाँ पहुँच रहा हूँ जहाँ पर कि जैसे कि हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और कबड्डी है, गुल्ली डंडा है, ये सब जहाँ पर खेल खेले जाते हैं ना। तो मैं अब वहाँ पर जा रहा हूँ, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर कोई मार्केट में नई चीज़ लॉन्च हो रही है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को। और ये है मुशायरा, जहाँ पर मुशायरा होता रहता है हर वक्त, मतलब रात में और दिन में भी, बाकी ज़्यादा नहीं। तो ये मुशायरा, जैसे आपने पहले मेले दिन का देखा था वीडियो, तो उसमें कुछ डांस वांस हुआ था, कुछ कलाकार आए थे बाहर से डांस वांस किए। और यहाँ पर इस टाइम देखो, स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा होगा, कव्वाल लोग बैठे हुए हैं। तो ये है ऊँट, तो इसके ऊपर जो है पब्लिक, बच्चे लोग बैठ के घूमते हैं मेले में। तो इनका कुछ पैसा पे करना पड़ता है, जो भी हो कॉस्ट, 50 रुपया या 100 रुपया लेते होंगे। ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे मैच होते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, और गिल्ली डंडा हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, और बहुत सारे यहाँ पर खेल होते हैं। तो अभी यहाँ पर खेल नहीं हो रहे हैं, और ये खेल तकरीबन परसों से, और दिन में ज़्यादातर होते, रात में बहुत कम होता है। तो अभी तो ये पब्लिक से ग्राउंड भरा हुआ है, और ये पब्लिक जो है हटा दी जाएगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर सारे खेल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर रात में भी खेल होते रहते हैं, दिन में भी खेल होते रहते हैं।
और ये सामने स्क्रीन लगी हुई है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हो कौन कौन कव्वाल यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर सी बात इसमें दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको स्टेज पे जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जगह वो है जहाँ पर कोई बच्चा या कोई भी आदमी या बच्चा या औरत या कुछ भी हो अगर खो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आएँ और उनको अपनी परेशानी बताएं, जैसे कि बच्चा खो गया उसका नाम बताएं, उसकी उम्र बताएं और जिस प्रकार के उसने कपड़े पहने हैं वो कपड़े उसको बताए जाएंगे, तो वो यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाए। तो यहाँ पर जो है स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया जाएगा माइक में, तो अगर किसी का बच्चा या खो जाता है तो वहाँ से हट के यहाँ पर आएँ, उनका वेट करें, तो वो बच्चा अगर खो जाए, कोई इंसान खो जाता है तो सीधा यहीं पर आ सकता है वो और मिल जाएगा वो। और ये है यहाँ का नक्शा, तो आप देख सकते हो ये पूरा नक्शा है यहाँ का। मेले के स्टार्ट से बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसे आपको मैंने दिखाया था साफ सफाई से भी पहले कि मछली घर है यहाँ पर। मछली घर दिखा देता हूँ, वो रहा मछली घर, जो पिंक कलर का दिख रहा है वो है मछली घर। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितना खूबसूरत हो चुका है। और ये मछली घर जो है दिन में चालू होता है, रात में नहीं, तो रात में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों मछली घर, मछलियाँ इसके अंदर हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अभी बंद है। तो ये जो है कल खोला जाएगा दिन में, रात में नहीं खोलते हैं, ये दिन में सिर्फ चालू रहता है। तो ये मछली घर है आप देख सकते हो, और पहले मछलियाँ रहती थी इसके अंदर, और अब किल देखो मछली कांच के बॉक्स में लाके मछलियाँ यहाँ रख दी गई हैं। तो मैं हूँ मेन नुमाइश में जहाँ पर लेडीज का सामान, जैसे आप प्लेटें देख सकते हो बर्तन का है, और कम्बल है, रजाई है, तकिया है, चादरें हैं, जैसे आपसे बताया था बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर ऑल टोटल बक्सा ही मिलता है, और ये देख रहे हो एक से एक रजाइयाँ मिलेंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको अमेजिंग यहाँ पर बहुत सारे खिलौने मिल जाएंगे आपको, और हर खिलौने का रेट यहाँ पर अलग अलग है, कोई फिक्स रेट नहीं है, 10-5 कम भी हो जाते हैं, बेचारे बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें लगाने के लिए। लेकिन ज़मीन महंगी होने के कारण मेले में वो रौनक नहीं रहेगी पहले जैसी। भैया हम लोगों का कि हम लोग लड़ते थे झगड़ते थे खिलौने लेने के लिए, और एक टाइम ऐसा है कि पब्लिक तो है ही नहीं यहाँ पर, और भाई लोग देखो बैठे हुए हैं सिर्फ सुकून से, कुछ नहीं है, खाली सामान का गर्दा हटाओ और कुछ है ही नहीं। मेले की रौनक 50% गिर चुकी है। हाँ मेला ले गए सब हमारे योगी महाराज। तो ये है सुरमा, मतलब हर क्वालिटी का, हर अच्छे से ब्रांड का सुरमा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो 30 रुपया हर माल 30 रुपया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो है दरअसल दादा मियाँ की जहाँ पर मजार है, जहाँ पर दो गेट बने हुए, तो उन्हीं के ठीक सामने दुकान है, वहाँ पर आपको हर माल 30 रुपया मिल जाएगा। कुछ भी लो, बोतल लो या बड़ा आइटम छोटा आइटम कुछ भी लो, 30 रुपया माल। और ये हमारे सामने सुरमे की दुकान है, आप देख सकते हो हरी ऑल।
हम यहाँ आ चुके हैं, सीला की जवानी गाना बज रहा है। ये यहाँ पर है टर्की स्टाइल आइसक्रीम। चुका हूँ इस टाइम दादा मियाँ की मज़ार के गेट के ठीक पास में, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो झूला चल रहा है एक तरफ, और एक तरफ ये हलवा पराठे का होटल लगा हुआ है, और ये हमारे जिनका मेन ये मेला है दादा मियाँ का, तो ये है दादा मियाँ की मज़ार। तो ये जो हाजी वारिस पाक के जो चचा हैं ये वो हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा दादा मियाँ की मज़ार की तरफ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करूँगा हर एक चीज़ दिखाने के लिए। और यहाँ पर पब्लिक जितनी रहती है उतनी पुलिस कर्मचारी भी रहते हैं कि पब्लिक को किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। तो मेन मेला जो है वो हमारे दादा मियाँ का है, और हाजी वारिस पाक का जो मेला लगता है वो सफ़र का मेला रहता है, बाकी जो मेन मेला है वो इन्हीं का है। लेकिन अब पब्लिक सबसे ज़्यादा उधरी मज़ार पर भागती है, यहाँ पर बहुत पब्लिक कम आती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये है दादा मियाँ की, यानी कि हाजी वारिस के जो चचा थे ये उनकी मज़ार है। इस टाइम आइसक्रीम खा रहा हूँ, आइसक्रीम का बहुत गर्म आइसक्रीम है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत गर्म आइसक्रीम है ये। और आप लोगों से निवेदन है अगर आइसक्रीम खाया करें तो आप ठंडी आइसक्रीम खाएं, इनके पास गर्म आइसक्रीम मिलती है। देखो भैया खड़े हैं गर्म आइसक्रीम बेच रहे हैं यार इस टाइम। तो यहाँ पर आपको लकड़ी का सारा आइटम मिलेगा भाई, सारा आइटम जो है ना लकड़ी का मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर समझदार हैं तो आप लोग जान ही जाएंगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें पुरानी पुरानी हैं, जो भी हैं वो सब लकड़ी की बनाई हुई है यहाँ पर। तो मैं अब जा रहा हूँ अपने घर, गया है पानी से भर, उसको साफ़ करूँगा पहले जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर खिलौने रखे हुए हैं, आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हर माल का हर एक चीज़ का रेट अलग अलग है, यहाँ पर कोई फिक्स रेट नहीं है, मतलब बैटरी वाली भी है, इलेक्ट्रॉनिक वाली है, रिबॉन्ड वाली है, हर एक कार आपको, बुलडोज़र, बहुत सारी चीज़ें आपको, खिलौने हर एक प्रकार के यहाँ पर मिल जाएंगे। और अच्छे से अच्छे यहाँ पर स्नाइपर भी रखी है, देखो तो वो देखो भाई पबजी की गन यहाँ पर खड़ी है, AWM रखी है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने यहाँ पर लगे हुए हैं इस टाइम। तो ये भाई जो है अपने हजरत सहारनपुर से हैं, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से भाई लोग आते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसे लेके। आप दुकान देख सकते हो कितनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर खिलौने आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर सबका रेट फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं होएगा। कोर्स करना है वो यहाँ से सारा सामान ले सकते हैं। मैं अब जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेजों से भूख, और मेरे घर वालों ने फोन किया बेटा बेटा घर चले आओ, मेले में खोगे जाओगे तो टेंशन बहुत हो जाएगी हमको, आ गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी हमारे घर वालों को। अति तेज तेज बोलत है कि समझ में नहीं आ रहा, ये मांग रहे हैं कि बेच रहे हैं, अब इनकी आवाज सुना रहे। 100 रुपए के 200 रुपए के, देखा सुना।